डेमोक्रेसी है, सभी पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं। आम आदमी पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे। हमारी तरफ से किशन लाल जी मेयर की पोस्ट के लिए लड़ेंगे और डिप्टी के लिए नीता बिष्ट हमारी बहन है, दोनों जो दोनों हमारे कैंडिडेट हैं, दो बार के पार्षद हैं, इलाके में इनका बहुत अच्छा काम है, पार्टी ने इनको चुना है और ये हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे। आम आदमी पार्टी क्योंकि बहुमत में है तो उनकी तरफ से दावेदारी है कि वो बहुमत से इस बार भी चुनाव जीतेंगे। देखो 15 महीने से जनता ने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने कितना बुरा हाल कर दिया है, सभी पार्षद दुखी हैं, किसी भी पार्टी का पार्षद हो कोई स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, वार्ड कमेटी नहीं बनी, जनता का काम नहीं हुआ। अब सभी पार्षदों ने एक मन बना लिया है, भले कांग्रेस के पार्षद हो, आम पार्टी के पार्षद हो या बीजेपी के पार्षद हो, वो सुशासन चाहते हैं, इसलिए हमें लगता है एक मत होकर सब हमारे पार्षद को जिताएंगे। लेकिन आप लोग बहुमत में नहीं है तो आपको कैसे आप दावा कर रहे हैं? देखो हम दावा नहीं करें, हम पार्षदों की नब्ज हमें मालूम है, लोग दुखी हैं, लोग जब अपने घर से दुखी होंगे वो चाहेंगे बदलाव, तो बदलाव की और उनके पास और कोई रास्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अलावा, क्योंकि 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिया है, 15 महीने के अंदर ही आम आदमी पार्टी थक गई है, उनके पार्षद थक गए हैं, तो वो अपने आप बदलाव की ओर आएंगे, तो अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे। अभी करें आम आदमी पार्टी के पार्षद आपके साथ आके वोट डालेंगे, उनको देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। कुछ बातचीत हुई है कुछ पार्षदों से आपकी? हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, मगर जनता दुखी है, यहाँ के सारे एम्प्लाइज दुखी है, तो जो जनता का प्रेशर है वो अपने आप भारतीय जनता पार्टी की ओर लोगों को खींच रहा है। रोल जी आपका नाम किस वार्ड से उम्मीदवार? मैं शुक्रपुर वार्ड से आता हूँ, दूसरी बार मैं निगम पार्षद हूँ, वार्ड 62 से जी। किशन लाल मेरा नाम है जी। बीजेपी ने आपको कैंडिडेट बनाया मेयर पद के लिए जी जी, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको चुनाव को लेकर? लड़ेंगे भी और जीतेंगे। इस बार का चुनाव जो आप देख रहे हो कि जनता किस तरीके से त्रस्त है और सभी निगम पार्षद किसी भी पार्टी के हो सब दुखी हैं, तो वो समझ गए हैं कि भाई अब आम आदमी पार्टी जिस प्रकार दिल्ली के अंदर फैल होती नजर आ रही है, चाहे किसी काम के अंदर, तो सभी पार्षद इस बार बीजेपी को वोट करेंगे, अब जीत के आएंगे। रोल जी मैम, क्या नाम है आपका, किस वार्ड से आप पार्षद हैं और किस पद के लिए आपने नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं? मेरा नाम नीता बिष्ट है, मैं सागरपुर वार्ड से दूसरी बार पार्षद हूँ और मैं डिप्टी मेयर के लिए पार्टी द्वारा चुनी गई हूँ और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं का और अपने आदरणीय हमारे विपक्ष के नेता का, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि जी आप लोग क्योंकि बहुमत में नहीं है, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, तो आपको कैसे उम्मीद है कि आप लोग जीत पाएंगे? देखिए निश्चित है कि हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी 15 महीनों से निगम में क्या स्थिति रही है, तो उसको देखते हुए हमारी जीत निश्चित है कि हम लोग निगम जीतेंगे और जैसे भी पार्टी का आदेश होगा हम करेंगे।